अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड वीडियो फ्रॉम संजरी गोट फार्म। ये वीडियो में हम आपको जो बेचने वाले बच्चे हैं, शानदार क्वालिटी के जो सेट करके बच्चे देने वाले हैं आपको, बहुत नोबल क्वालिटी बोलूँगा, उच्च स्तर के बकरे संजरी गोट फार्म पे इन महापोली। अस्सलामुअलैकुम जमील भाई। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई। जमील, पहले वीडियो में आपने बकरियाँ दिखाए, ब्रीडिंग सेटअप दिखाए, ये वीडियो में जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि ये फार्म पे स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही एक ऐसा वाहिद फार्म है मेरे को लग रहा है भिवंडी में, जहाँ पर बहुत काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे ब्रीडिंग सेटअप जी, सेलिंग के लिए आप सेट करके बच्चे दे रहे हो, क्योंकि ये जंगल से आके नहीं बेच रहे हैं आप। नहीं, ये भाई ये पहले से अपने पास आए हुए थे और सब उन्हें सब अदंत है, सब अदंत है, और ये अभी अपने को सेल करना है और कुछ बकरे और भी आने वाले हैं। हरी पत्ती का स्टॉक तो है ना बहुत? अरे बाप रे, क्या रेट हो गया भाई? भाई 35-36 किलो, तो 32 रुपए किलो। तो अल्लाह का शुक्र कि आपने पहले ही ट्रक भर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बकरा ईद के परेड में ही मंगवा लिया था सब। मेरे को तो लगता है कि एक महीने बाद शायद हरी पत्ती मिले भी नहीं दुकानों पे, शायद बहुत मुश्किल। नवंबर दिसंबर में मिलेगी फिर। गांव में भी खुद हरी पत्ती है ही नहीं भाई, राजस्थान में भी अभी देखो ना, हरी पत्ती पहले आती थी कैसी, अभी कैसी आने लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं पर ये अच्छी हरी पत्ती है, अभी जो एकदम हरी आ रही है ना वो तो कच्ची है जी, वो तो, और वो तो लोगों का आज सोच हो गई है कि हरी खिलाओ। असल में हरी पत्ती का सिस्टम जो है ना भाई, जो हरी आ रही है ना उससे बकरे वो कब भी हो रहा है। अरे वो खाएगी भी नहीं, खा भी इतना नहीं रहा। ये बकरी राज्य नागौर की हरी पत्ती है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खाते है भाई। ये मतलब दिख रही है ऐसी डार्क कलर, पर यही तो है असली चीज, लेकिन खाने में बहुत आगे है ये बकरी। तो पलाई की बात करूं कि मैंने लास्ट ईयर आपके पलाई का रिजल्ट देखा, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं वापिस से बोलूंगा कि रिकमेंड करूंगा कि यहाँ तो एक बकरा रख के दिखाओ पलाई। पलाई का असल में ऐसा मसला है कि जो भी कस्टमर अभी इससे पहले मेरे रखे थे बकरा भाई, सबने यही बोले है कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका, और आपकी हम हमेशा तुम्हारे से बंदे, और कुछ लोग के तो बकरे अभी तक आ भी गए हैं मेरे पास, काफी बकरे बच्चे आ गए हैं। तो नए कस्टमर्स के लिए मोटी मोटी बात कर लेते हैं, क्या पलाई का चार्ज लेंगे भाई? अभी फिलहाल पलाई का चार्ज अपने पास है ना 2500 रुपया खसी का है, हाँ। और अंडू का अपने पास है 3000 रुपया, और 40 केजी से नीचे अगर बकरा है, हाँ। चाहे अंडू हो चाहे खसी हो, वो अपन उसके ना 2000 रुपया पलाई लेंगे। केज में रखोगे अंडू आप? सब केज में ही रहेगा भाई अंडू। खूटा सिस्टम भी आपका रेडी हो रहा है? हाँ, अभी खूटा सिस्टम भी नया स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, मैं खूटा में भी डालूंगा, जो बहुत एग्रेसिव बकरे रहते हैं अंडू, जैसे सानेन है, कोटा है, उन लोग के लिए अभी खूटा बना रहा हूँ और खूटे में ही रखूंगा। यहाँ पर सब आपके पलाई के बकरे हैं? जी, ये पलाई के बकरे हैं सामने वाले के। अभी ये आसिम भाई देखो, ये राजस्थानी सोजर राजस्थानी बकरे, वो मक्की छीना है जी। ये बकरा हमारे पास 3 महीना पहले आया था 27 किलो पे, आज कोई देखेगा चक्कर आ जाएगा। आज ये 70 प्लस पे ये बकरा खड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने शायद एक दांत निकाला है भाई। ये कहाँ जाएगा मतलब ये ना अगले साल, ये साल जो आने वाला साल है भाई, बकरा इसमें इसको 100 प्लस में नहीं, 100 मेरे को ये आपका रिकॉर्ड कायम करने वाला है बकरा, ये कोई मामूली बात है क्या? 27 किलो का बकरा, इसका वीडियो भी है, अगर कोई कमेंट करके कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता है तो फार्म पे आ जाओ आप। और ये 24 किलो पे आया था, 27 किलो का बकरा आपके सामने, इतनी बड़ी फ्रेम लंगड़ का 70 केजी पे आज खड़ा है। और ये वाला, ये वही कस्टमर का, ये 24 किलो पे भाई आया था, ये 65 किलो प्लस पे आया। मैं तो कस्टमर को भी मैं दाद देता हूँ जी, लोग बोलते हैं ना कि मतलब ब्रीड भी इम्पोर्टेंट है, वो बेचारा ढूंढ के भी लाया वैसी चीज। नहीं, बहुत अच्छी चीज लाया था, बकरा बहुत अच्छा दिया। और यहाँ असल में बकरा कोई जगह एक जगह भी रखा था वो बंदे ने, तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला उसको खोटी का, तो भाई ने अपने से रिक्वेस्ट वेस्ट किए है, तो मैं बोला ठीक है यहाँ पर 1 महीना तुम देखो मेरे पास रख के, आप 1 महीने में कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं इंशाल्लाह, आपको हमारी पलाई का अच्छा ही लगेगा। तो आप तो बहुत खुश होंगे भाई, इतना खुश हो उनको। अभी मैंने 107 किलो पे सोचा दिया हूँ भाई, और वो लिए थे कुछ 80 किलो पे, 107 किलो 3 महीने में मैं करके दिया था अंडू सोचा। ये जो बकरा है जी, ये जो भाई का इंशाल्लाह उनको रमजान के बाद में अगर वीडियो बनेगा ये बकरे का तो बुलाएंगे अपन जी, इंशाल्लाह उनको मैं बोलूंगा। पूरी उम्मीद है ये बकरे से अपने को जी भाई, इंशाल्लाह। तो ये रिजल्ट है देखिए यहाँ का। आइए अभी कुछ बच्चे ऐसे दिखाएं जो बेच के अपने पास पलाई पे आ जाएंगे जी। चलिए एक एक करके दिखाते हैं, ये सब घर के पले हुए बच्चे हैं ना? सब घर के, अपने करीबन 5-6 महीने हो गए अपने यहाँ रुके थे। शाइनिंग कितनी ला रहे भाई? घोड़ा जीरा खिला रहे हो क्या? नहीं, घोड़ा जीरा तो अभी नहीं खिला रहा हूँ, सोचा था चालू करने के लिए, लेकिन घोड़ा जीरे से थोड़ा
लेकिन शाइनिंग बहुत अच्छी आई है भाई माशाल्लाह। अपने वो अनाज में भाई जो बिगा के गिला के गिल्ला करके जो दिखाई था आपने वीडियो में हमको, यहाँ शाइनिंग बहुत अच्छी है। मैं एक ओवरऑल वीडियो बना लेता हूँ, आप सिर्फ मेरे को भाव बता दो एकदम मोटा मोटा, क्या रेट में दोगे आप ये बकरे? रेट बाकी है 20,000 22,000 23,000। अच्छा, मतलब 20 से 25 मान लो, 20 से 25 में इंशाल्लाह आप उन्हें बच्चे करके दे देंगे। मतलब ये बहुत क्वालिटी बच्चे हैं, मैं बता दूं ज्यादातर। ये देखो, ये शायद कोटा है मेरे भाई, है ना? कोटा है, ये कोटा है, ये अपने कस्टमर का है, ये भी अपने को देना है। अच्छा, इसका भी रीजनेबल ही रहेगा, एकदम रीजनेबल है इसका। और ज्यादातर ये वाइट आईज में ही बच्चे आपको, ये मेरा फेवरेट बच्चा है ये वाला, बहुत मासूम शेर है बेचारा। ये बच्चा अगर मैं दो एक साल रोकूंगा ना आसिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इसका वेट बहुत अच्छा होगा कि ये बच्चे की क्वालिटी जो है ना। कोई चाहे ना भाई, मैं बोलता ये जोड़ी ले, ये देख रहे ये जोड़ी देखो, ये जोड़ी है ये वो आसिम। एक तो लंबे सिंह की, एक छोटे सिंह की है, एक दोनों वाइट आग में, शायद एक तो है ही है, दूसरे का देखता हूँ। नॉर्मल आई, हाँ ये नॉर्मल जो खा रहा है, और इसका भाई है जो शाइनिंग देखो उसकी, और सबसे अच्छी बात है इसका चेहरा। उठ बेटा जरा, चल देख इधर, ये देखो लंबे कान भी, बहुत बड़े कान है यार, बहुत अच्छा है। ये मुंडा भाई, ये मुंडा जो है अंडू है, चार दांत पे है असल में। ये वो रेट का तो नहीं लग रहा है, थोड़ा ये अलग, थोड़ा अलग रेट का है ये, असल में बहुत अच्छे क्वालिटी फ्रेम का बकरा है ये। बकरा इतने अपने पास आया था, मेरे को लग रहा है इसके दांत भी कम है, 6 दांत है, चार दांत पे ही अभी अभी किया है, मतलब ये तो अब पूरा दांत 16-17 महीना पकड़ेंगे जी। हाँ, ये 16 महीना भी नहीं है, जल्दी दांत कर दिया, असल में जंगल का था ना आसिम भाई, जल्दी दांत कर दिया और यहाँ पर आया। झालर पट्टी अच्छी है मेरे भाई इसकी, बहुत खूबसूरत बच्चा है भाई ये, और पूरा वाइट, पूरा वाइट है ये पूरा हर जगह। हाँ वो तो अभी क्या है, ये बारिश है, निला थोड़ी ना सकते। पीछे है भाई ये स्पाइडर मैन, खस्सी है, यहाँ ये भी अच्छी चीज है, अंडू है ये भी, बगैर दांत का आसिम भाई, ये अपने को अंडू है, खस्सी है, अंडू है ये, अंडू है अभी। अच्छा, अभी 55 है सही से इसका, तो ये अपने को देना है भाई, ये अपने को 18,000 रुपए में, बहुत अच्छे 18,000 रुपए कीमत भी। देखो आपके सामने ये वाइट बच्चा भी दिखाओ ना यार, ये वाइट है, बहुत पंच फेस का बच्चा है ये, ओरिजिनल सोजा था एकदम, काली चमड़ी, ये भी ऊना है, बगैर दांत का है, राउंड फेस, नर मॉडल, बनेगा ना आपके हिसाब से? माशाल्लाह भाई, क्योंकि आपकी मतलब नजर एक, आप अलग ही नजर देखते हो आप। फार्म के लिए रखने के लिए आगे का हिस्सा देखो इसका, सीना वीना है बनने लायक है, अच्छा बनने लायक भाई, ठीक है, अभी तो चौड़े बने का है भाई। सही, एक वो बताओ ना, वो मुंडा है ना ब्लैक स्पॉट में, हाँ ये भी पैर का अच्छा बकरा है भाई, बहुत अच्छे पैर का बकरा है, इसका वेट भी बहुत अच्छा, हाइट कम है लेकिन वेट बहुत, पर इसकी हाइट कम ही रहेगी ऐसा लगता है, बहुत अच्छे वेट का बकरा है ये, अभी ये अपने पास करीबन नहीं बोलूँ तो 50-55 पे प्लस पे ही है, प्लस पे ही है। चलो अपन तो वजन से बेच ही नहीं रहे तो इसकी बात ही नहीं है, 18,000 से 25,000 के बीच में बच्चे, एक बच्चा ही अलग कीमत का है, तो प्लीज ये 25,000 में मत मांगो, है ना जी। हाँ, ये बच्चा है अंडू है, ये अलग है, चार दांत पे है, तो अगर अंडू पलवाना है तो पलवाओ, पंच बोलता हो कोई कर देंगे, पंच भी होएगा तो बोलेंगे, कस्टमर का जो रिफंड रहेगा तो अपन करवा के दे देंगे। सही, हाइट वाइट अच्छी, सीना भी अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये अभी आपको ये वीडियो में आप इसको देख लीजिए, ये आपको लगता है अगर इसको खस्सी करके पाले तो 110-120 किलो तक जाएगा, क्या लगता है? उम्मीद है आपको, पंच करेंगे तो चला जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपके यहाँ बहुत बकरे 100 के ऊपर गए थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो अगर 100 के ऊपर का बकरा हमको कुर्बानी में चाहिए तो फिल वक्त कितने किलो का बकरा आपको पलाई पे देवे हम लोग लाके? अपना पलाई का सिस्टम ऐसा है ना आसिम भाई, अगर वो कस्टमर ऐसा अपने पास है ही नहीं कि 100 किलो का बकरा है तो मेरी पलाई बढ़ जाएंगी या कुछ हो जाएगा, कोई भी सेम पलाई 2,500 रूपए, 3,000 रूपए अंडू रहेगा। नहीं, जैसे मैं अगर 50 किलो का बकरा दूँ आपको अभी अभी ये महीने में, तो बकरा इतना उम्मीद रहती है आपको 100 किलो? इंशाल्लाह भाई, आपको इंशाल्लाह करके दूंगा, बस कोई गारंटी तो नहीं है, गारंटी कोई नहीं है, और मॉर्टेलिटी की कोई। चलो एक कोटा भी एक बार दिखाई दो अच्छे से, गुलाबी कोटा है, ये कोटा है गुलाबी है, कस्टमर का है, ये भी देने का है। रेट बताया कस्टमर ने? जी हाँ, सामने वाला रेट बता दिया है, लेकिन फिर भी फिलहाल अपन है ना कस्टमर का नंबर दे देंगे कोटे के लिए। अच्छा, वो डायरेक्ट बात कराओगे तो आप बीच में नहीं बोलेंगे? तो अगर कोई खरीदता है बोलता है पलाई पे रख लो तो इसके तो शायद 2,000 लगेंगे, क्योंकि ये 40 किलो से नीचे का बकरा है, जब ये 40 किलो क्रॉस कर देगा वो महीने 2,500 हो जाएगी, 2,500 हो जाएगा, फिर 100 किलो तक भी इसकी वही रेट है, वही रेट रहेगा, चाहे 80 किलो चाहे 100 किलो है, सही है, अपना वही रेट रहेगा, खस्सी का 2,500 रुपए रहेगा। अच्छा, पलाई में वैक्सीनेशन, दवाई खर्चा सब तुम्हारा? दवाई खर्चा जो रहेगा सब अपना ऐड रहेगा उसके अंदर,
बाकी कुछ ऐसा लगा तो अपने कस्टमर से बात कर लेंगे कि अगर कुछ ज्यादा कुछ हुआ है तो उसके ज्यादा सीरियस है तो बात करोगे, बात कर लूंगा। बाकी जैसे छोटी मोटी सर्दी ये वो निमोनिया वो सब आप देखोगे, वो सब हम लोग हैंडल है ना, लूज मोशन हो जाते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात हो गई जिस यू नो जिसमें कुछ अलग ही चीज हो गई तो ही आप कस्टमर को बताओगे, बस वही कस्टमर बताएंगे, बाकी इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी ताकत रहेंगे मैं हैंडल कर लूंगा। सही, बकरी का क्या पलाई चार्जेस लोगे आप बोले थे? बकरी का पलाई चार्जेस अभी 2500 रुपए चालू है आसिम भाई, पहले बकरा इससे पहले 2000 चालू था, अभी 2500 खर्चा बहुत आ रहा है, खर्चा आ रहा है असल में। और मेरे को लगता है बच्चे संभालना बहुत बड़ी बात है, फीड वीड भी बहुत महंगी हो गई है आसिम भाई, इसकी वजह से अपने को। आप बकरी को भी हरी पत्ती देते हो? जी हाँ, सबको सब पूरा दाना टोटल जानवर यहाँ पर रहना चाहे। आपको नहीं लगता कि बकरी कम कॉस्ट में ही पाली जा सकती है? पाली जाती है आसिम भाई अपन, लेकिन जानवर से वो नहीं रखते है। अच्छा, आप मतलब चेंज नहीं करते हो? कुछ जो है सबके लिए, जो है उनके रीस का खाना है वो खाते हैं उनको। सही, ये देखो इसकी चाल भी अलग है एकदम यार, ये बकरा ही अलग है, पैर उर भी आसिम भाई देखो ना बहुत अच्छा है उसका पैर, ना उसकी चाल ही अलग है भाई। ये बकरा बहुत पसंद आया अपने को, एक ये और एक इसका भाई, ये छोटे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, ये बेचने के नहीं है ना आपने? नहीं, ये सब बच्चे जो भी है, जो मेल बच्चा बेच देंगे, मेल है वो अपन सेल कर देंगे, तो एक 10,000-12,000 ऐसे आएंगे, 10-12,000 रुपए में सब बच्चे आ जाएंगे। देखो मार्बल सिंह है, वाह। और ये कोटा में है, मेवाती बकरी से निकला कोटा है। कितने तक आ जाएगा ये? 12,000 रुपए में बच्चा आ जाएगा, 12,000 रुपए। और ये सब बच्चे जो है आसिम भाई, अगर आप अभी फिलहाल वक्त लेना चाहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको दूध खत्म होने पा रही देंगे। ठीक, तो एक बार नंबर दे दो, एड्रेस बता दो, कब आना है, कस्टमर से कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। ऐसा है अपना, ये एड्रेस जो है ये वाड़ा रोड मापोली है, और मधु मंजुला के जस्ट अपोजिट। मधु मंजुला एक होटल का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है, उसके बिल्कुल अपोजिट में, उसके बिल्कुल अपोजिट में संजरी रोड, भिवंडी सिटी से ये कुछ 6 किलोमीटर का रास्ता है, जो आपको 15 मिनट में आप पहुंच जाते हो नद्दी नाका से। ठीक है, एसटी स्टैंड से भी 15 मिनट लगता है आपको। इसके अलावा मैं बताऊं कि आप इनके फार्म पे एक बार विजिट करें, बहुत अच्छे से बना हुआ है, सनशाइन आती है माशाल्लाह, और काफ़ी तरीके से फार्म बना हुआ है, आके एक बार इनको एक बकरा देखे देखो तो आपको पता चल जाएगा इनका क्या रिजल्ट है। एक बार आपका नंबर दे दीजिए सर, 8983605996। ठीक है, ये वीडियो तो आई थिंक 2 दिन में ही आ जाएगा। आप ये बता दो नेक्स्ट जो बड़ा लॉट आ रहा है वो कब आने वाला भाई? ये जो बकरे 120-130 किलो तक जाएंगे ऐसे बकरे कब आने वाले? जल्दी आ जाएगा, मैं जाने वाला हूँ आसिम भाई, 3-4 दिन में मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। जैसे मेरे को बकरा वहाँ पर परचेस हो जाएगा इंशाल्लाह, वो दूसरे दिन यहाँ पहुँच। और यहाँ पर आने के बाद भी हम तुरंत सेल नहीं करेंगे, उसको सेट करेंगे पहले, सेट करके उसको फिर उसका वीडियो बनाएंगे, फिर सेलिंग करेंगे। ज्यादातर ये है कि अगर आप वही बकरे मेरे यहाँ पलाई पे रखोगे तो आप और बेहतर रहे, तो आप उसको और कंसेशन रेट में बेच सकते हो। और कम कर दूंगा मैं उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं असल में बस कस्टमर बनाना चाहता हूँ और सेल ज्यादा करना चाहता हूँ, भले प्रॉफिट कम रहे, प्रॉफिट कम रहे चलेगा अपने को। ऐसा कोई शौक है खाली, कोई ऐसा धंधा बिजनेस नहीं, अपने काम दूसरे है। सही है, बस ये शौक के तौर पे अपन करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बातें करके, जजाकल्ला खैर। बस लोग आपके जो सर्विसेज है उसका फायदा उठाए, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, कम रेट में पलाई पे रख रहे हो और पूरा फीडिंग वही दे रहे हो, ऐसा नहीं कि कम पैसे ले रहे तो फीडिंग कुछ भी अनशन दे रहे, ऐसा नहीं है, इनका फीडिंग सिस्टम ही अलग है। ठीक है भाई जी, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।